वहीं धनतेरस के दिन शुक्रवार को देश भर के खुदरा बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सोने चांदी के अलावा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और बर्तन और अन्य उत्पादों की भी अच्छी खरीद बिक्री हुई। आपको बता दें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक धनतेरस पर देश भर के खुदरा बाजारों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। अकेले दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की खरीद बिक्री हुई है। पिछले धनतेरस पर कुल 35,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस धनतेरस पर खरीदारी को लेकर माहौल काफी अच्छा रहा। पिछले साल की तुलना में इस बार करीब 43% अधिक बिक्री हुई है। धनतेरस के दिन कुल बिक्री में वाहनों की हिस्सेदारी 5,000 करोड़ रुपए की रही। वहीं 3,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बिके हैं। वहीं 1,000 करोड़ रुपए के बर्तन बिके हैं, जबकि 300 करोड़ रुपए की पूजा सामग्री बिकी है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, मिट्टियों के दिए, सजावटी सामान, बंदर बॉल और झाड़ू की बिक्री भी खूब हुई है। ये कहा जा सकता है कि पिछले साल से बेहतर हुई है। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 15-20% अधिक रही। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के निदेशक दिनेश जैन ने बताया कि सोने की कीमतें कारोबार के लिए अनुकूल है। कीमतों में हालिया गिरावट से उपभोक्ता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। हीरे की कीमतें गिरने से युवा पीढ़ी में हल्के वजन के आभूषणों की काफी मांग देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुरेंद्र मेहता ने बताया कि धनतेरस पर बिके कुल 42 टन सोने में दक्षिण भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 60-65% रही। पश्चिम भारत की बात करें तो 20-25% सोना बिका है। कुल बिक्री में उत्तर भारत का 10-12% का योगदान रहा है और आपको बता दें कि पूर्वी भारत में 5% का योगदान रहा।